दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में सिराज ने पूरे देश का दिल जीत लिया। कई घंटे हो चुके इस मैच को जीते, लेकिन देखिए सिराज अब भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। सिराज की बॉलिंग देखकर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस दीवाने हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपको हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि सिराज को भी देश में कुछ चुनिंदा नफरती लोगों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है दिल्ली पुलिस ने। दोस्तों, जब सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की तो पत्रकार राणा आयुब ने सिराज पर एक कमेंट किया और कहा, मोहम्मद सिराज आप मेरे हीरो हैं। राणा आयुब की इस बात पर एक शख्स ने देखिए क्या कमेंट किया, इन लोगों की फोटो यहाँ पर पोस्ट करते हुए लिखा, सिराज नेट प्रैक्टिस करते हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों का और मोहम्मद सिराज का क्या कनेक्शन है, क्या इस बात का यहाँ पर क्या मतलब बनता है? सिर्फ इसीलिए कि सिराज के नाम के आगे मोहम्मद है? सिर्फ इसीलिए कि सिराज उस धर्म विशेष से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जो अंधभक्तों को अखरते हैं, जो अंधभक्तों के आँख का काटा है? दोस्तों, जहां नफरती गैंग सिराज के लिए इस तरह की बातें बोल रहा था, दिल्ली पुलिस ने सिराज की हौसला अफजाई की और सिराज की बेहतरीन बॉलिंग देकर, देखिए दिल्ली पुलिस ने सिराज की तारीफ करते हुए क्या कहा, आज सिराज के लिए कोई स्पीड चालान नहीं होगा। अब आप देखिए, एक तरफ ये 2 रुपए के ट्रोलर हैं जो सिराज को सिर्फ इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए उनके लिए इस तरह की बातें लिख रहे हैं क्योंकि वो उस समुदाय से आते हैं जो इनको अच्छे नहीं लगते, और एक तरफ दिल्ली पुलिस है जिन्होंने मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखकर, उनकी स्पीड देखकर मजाकिया अंदाज में उनकी तारीफ करी और सार्वजनिक तौर पर कहा कि आज सिराज के लिए कोई भी चालान नहीं होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ऐसे नफरती लोगों के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा और कोई हो ही नहीं सकता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।